आईटीआई से मतलब मैं करने की इच्छा नहीं थी, एक दोस्त था वो कर रहा था, बोला खाली हो तो तुम भी कर सकते हो। मुझे उसकी उतनी जानकारी नहीं थी कि फिटर वगैरह होता क्या है। मैं फर्स्ट ईयर में हमारा टेट में बैक लग गया था, तो हमने वही बगल में एक हॉस्पिटल था डॉक्टर शरद कुमार मिश्रा जी का, तो वहाँ पे हमने उनके यहाँ जॉब पकड़ ली। जॉब कर रहे थे तो जॉब में कितना सैलरी मिलता था आपको? ऐसे कुछ 6,000 के आसपास। इजी वे कोचिंग आए थे, कितना जानकारी था आपको? सर आईटीआई में मतलब बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, हमने पैसे वगैरह देके पास किए थे। मतलब एकदम बिल्कुल जीरो लेवल था जब आप इजी वे कोचिंग आए थे? बिल्कुल सर, जीरो ही था शुरुआत में। तो एक तो मैं पहली बार घर के माहौल से बाहर निकला था, तो यहाँ पे मेरा मन नहीं लग रहा था, पढ़ने की इच्छा ही नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। मन कर रहा था बस जैसे आए सब समेटे और वापस चले जाए। टाइम मिलता था खाना वाना बनाना फिर पढ़ाई करना ये सब हो जाता था? मैरिज की कोई दिक्कत था? दिन भर का एवरेज तो कितना देर पढ़ाई होता था, क्लास के अलावा कितना देर पढ़ लेते थे? नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे ग्लोबल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों मेरे साथ इजी वे कोचिंग का स्टूडेंट विशाल यादव है और इनका सिलेक्शन अभी मध्य प्रदेश बिजली विभाग में हुआ है और इनके बारे में बहुत सारा चीज हम जानेंगे, काफी आप लोगों को मोटिवेशन मिलने वाला है। ठीक है, इनका वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा रहा कि पढ़ाई नहीं कर रहे थे, फिर बाद में पढ़ने का मन किया और पढ़ाई शुरू किए, तो आज 1 से 2 साल के अंदर इनको नौकरी भी मिल गया, तो डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, चैनल पर नजर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वेलकम है विशाल। थैंक यू सर। एकदम शुरू से बताइए, कब आपने मैट्रिक पास किया था, कहाँ से हैं आप, अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। सर सभी को प्रणाम, मैं विशाल कुमार यादव यूपी के आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूँ और सर्वप्रथम मेरी जो स्टडी की जर्नी रही है वो मैंने 2013 में हाई स्कूल किया और फिर 13 से 15 मैंने इंटर किया, 15 से 18 मैंने ग्रेजुएशन की अपनी। ग्रेजुएशन के बाद हमने 2018 से 20 आईटीआई की, तो उसमें कोरोना लगा था, कोरोना की वजह से रिजल्ट बट 2021 में आ पाया सर। ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है, ग्रेजुएशन करने के बाद आईटीआई आपने किया, तो आईटीआई करने का ख्याल कहाँ से है, कौन बोला? आईटीआई से मतलब मैं करने की इच्छा नहीं थी, एक दोस्त था वो कर रहा था, बोला खाली हो तो तुम भी कर सकते हो, इससे क्या है कि आने वाले समय में आप किसी भी कंपनी वगैरह में मार्कशीट दिखा के उसको ज्वाइन करके अपने मतलब अगर कहीं कुछ सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे अपना मतलब कार्य कर सकते हो। मतलब प्राइवेट सेक्टर में पैसा कमाएंगे, इस वजह से आपने कर लिया। तो फिटर से ही क्यों किया? एक्चुअली सर मैं करने वाला था इलेक्ट्रीशियन से, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का काम होता था, जनरेटर वगैरह लाइट वगैरह से संबंधित, तो मैं गया तो करने के लिए तो, बट वहाँ पे जब गया तो प्राइवेट कॉलेज था, वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की सीट खाली नहीं थी, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे बोले इसमें सीट खाली नहीं है, अगर आप चाहो तो हम फिटर से कर देते हैं। तो मुझे उसकी उतनी जानकारी नहीं थी कि फिटर वगैरह होता क्या है, बट इलेक्ट्रीशियन में जान रहा था कि इलेक्ट्रीशियन में मतलब इलेक्ट्रिक संबंधी चीज़ें होती है, तो अब नसीब कही है हमारे कि मतलब इलेक्ट्रीशियन न मिल के फिटर मिला और फिटर से नौकरी भी मिल गया। ठीक है, आप बताइए जब आईटीआई कंप्लीट किए 2018-20 सेशन था ना, रिजल्ट आया 22 में, 21 में रिजल्ट आया, तो रिजल्ट के बाद आप मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए सोचे या क्या सोच रहे थे उस समय? नहीं सर, हम जब आईटीआई का मतलब कर रहे थे तो उसमें फर्स्ट ईयर में हमारा टेट में बैक लग गया था, तो फिर हमने यूट्यूब वगैरह छानना शुरू किया कि आगे कहीं ऐसा ना हो, नहीं तो घर वाले मतलब गुस्सा करेंगे, तो हमने थोड़ा बहुत देखा, तो जब भी आईटीआई संबंधित चीज़ें डाल रहे थे उसमें आपका भी एक वीडियो आया था जिसमें यह सब चीज़ें बताई गई कि आईटीआई के माध्यम से हम किसी भी सरकारी नौकरी को मतलब प्राप्त कर सकते हैं, तो हमने वहाँ से थोड़ी बहुत सर की वीडियो एक पढ़ी थी, तो वहाँ से ट्रेड वगैरह भी थोड़ा बहुत पढ़ा था और फिर हमने अपना एग्जाम दिया, उसमें हम क्वालिफाई भी हुए थे जो आईटीआई का था, तो फिर वही सब चीज़ें देखे तो ऐसा लगा कि मतलब हमको ये कोचिंग वगैरह ज्वाइन करनी चाहिए और आगे सरकारी जॉब पर मतलब ध्यान देना चाहिए। तो यूट्यूब के वीडियो वगैरह देखकर आपको मन में आया कि हमें तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन तक जब 18 तक ग्रेजुएशन हो गया था आपका, उसके पहले क्या जॉब वगैरह कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हाँ सर, मैंने इंटर के बाद जब ग्रेजुएशन का फॉर्म भरा तो उसी समय मतलब क्लासेज वगैरह उतने नहीं हो रहे थे, सरकारी कॉलेज था, तो हमने वही बगल में एक हॉस्पिटल था डॉक्टर शरद कुमार मिश्रा जी का, तो वहाँ पे हमने उनके यहाँ जॉब पकड़ ली, तो जब तक 3 साल का इधर ग्रेजुएशन चला उस बीच में प्राइवेट में वहाँ पे हॉस्पिटल में जॉब करता था। किस तरह का जॉब था? मेडिकल का था, मतलब वहाँ पे सर सुबह 10 से 6 तक मतलब ओपीडी करवाता था मरीजों को, जैसे दिखाना और इंस्ट्रूमेंट वगैरह थे जो डॉक्टर को मैं उठा कर देता था, उन चीज़ों से वो अपना कार्य करते थे, फिर शाम में 8 या 9 बजे के आसपास वहाँ पे ऑपरेशन का काम शुरू होता था, तो मैं ऑपरेशन के लिए भी जाता था साथ में।
क्या कर रहे थे ऑपरेशन थिएटर में? ऑपरेशन में काम सारा डॉक्टर साहब करते थे ऑपरेशन वगैरह, बट मैं केस को असिस्ट कराता था। मतलब वो ऑपरेशन करते वक्त जिस इंस्ट्रूमेंट को मांगते थे तो उनको उठाकर देना सही समय पर, और भी इंजेक्शन वगैरह लगाना, असिस्ट कराने का काम करता था मैं। किस तरह का वहाँ ऑपरेशन होता था? कान नाक गला ENT। तो वहाँ पे आप जॉब कर रहे थे, तो जॉब में कितना सैलरी मिलता था आपको? ऐसा कुछ 6,000 के आसपास। तो 6,000 का नौकरी मिल गया था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आप फिर ITI के जो जॉब के बारे में सर्च करने लगे, तैयारी करने लगे? उसमें सर क्या, मुझे कि रेलवे और मेट्रो सर बहुत पसंद थी, तो एक दो लोग थे सर जो मतलब ITI करके अच्छे अच्छे पोस्ट पे मतलब लगे हुए थे, और कुछ लोग ऐसे भी मिले सर जो मतलब ये कह रहे थे कि ITI करने से कुछ नहीं होता। मतलब एक्चुअली उन्होंने कभी ITI करके घर से बाहर निकले ही नहीं थे, तो और जो निकले थे वो सेलेक्ट थे। तो उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ITI बेस पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी प्राइवेट और सरकारी दोनों में मतलब जगह अच्छी हुए हैं काम करने के लिए। तो हमने मेट्रो वगैरह हमको बहुत पसंद था, तो हमने देखा कि मतलब ITI के जरिए हम मेट्रो में जा सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमने आपका वीडियो वगैरह देखा था पहले से, और इसको कोचिंग को ज्वाइन करने का फिर डिसाइड किया। प्राइवेट से थे? प्राइवेट थे। तो ITI के बारे में तो नॉलेज नहीं होगा, जब EG में कोचिंग आए थे कितना जानकारी था आपको? सर ITI में मतलब बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, और बैक लग गया था। सेकेंड ईयर में थोड़ी सी मेहनत की थी, वो भी आप सर जो रवि सर का वीडियो था उससे, तो ये लगा कि अगर इसमें मेहनत किया जाए तो आगे चल के जॉब वगैरह मिल सकती है। तो मतलब एकदम बिल्कुल जीरो लेवल था जब आप EG में कोचिंग आए थे? बिल्कुल सर जीरो ही था। तो जब आए थे कोचिंग करने तो यहाँ पे क्लास स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो पहला क्लास में रवि सर का क्लास लिए होंगे आपको, तो क्या लगा कि हम पढ़ लेंगे, क्या क्या फील आया उस समय? उस समय सर मतलब जब आए थे शुरुआत में, तो एक तो मैं पहली बार घर के माहौल से बाहर निकला था, तो यहाँ पे मेरा मन नहीं लग रहा था, पढ़ने की इच्छा ही नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। मन कर रहा था बस जैसे आए सब समेटे और वापस चले जाए, बट सर आपको फीस वगैरह हमने सब जमा कर दी थी, तो मजबूरी थी कि वापस जा नहीं सकते, जाएंगे तो घर पे जवाब देना होगा इन सब चीज़ों। फिर रिफंड नहीं होता है? नहीं सर, अब कैसे, हमने मतलब कोशिश ही नहीं की रिफंड करने के लिए। नहीं तो बता देते हैं, होता भी नहीं है, कोशिश नहीं किया, सही किया। तो रुके कैसे, मतलब फी, एक तो फी नहीं मिलेगा वापस, पहला कंडीशन, ये कंडीशन सही है ना बच्चों के लिए? देख लो, फी रिफंड कर दिए होते तो भाग जाता, आज नहीं रिफंड करने की वजह से आज देखो नौकरी में है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है जो रुकने का, और दूसरा कारण? दूसरा कारण सर है कि उसमें जो हमें यहाँ के सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं आज है, उस समय वो हमारे रूम पार्टनर बने थे, तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया हमें, तो हमारा मन नहीं लग रहा था, तो साथ में हमको शाम में घुमाने ले जाते थे। बल्कि उस समय अजय का नौकरी नहीं लगा था ना, मतलब रहने के बाद नौकरी लगा अजय को, वो मोटिवेट कर रहा था आपको कि भाई रुकिए। और कहाँ ले जा रहा था घुमाने? ए सर मार्केट तो समय पता नहीं था, अब तो पता चल गया थोड़ा बहुत, पोस्टल पार्क वगैरह की तरफ, और आगे भी थोड़ा मतलब घूम घूम के आते थे, कभी कुछ खिला पिला, मतलब वो मेरा मन बहला रहे थे इधर, मतलब वो बोले कि कुछ दिन रुकिए, महीने भर समय दीजिए, अगर ना चीजें समझ में आए तो फिर चले जाइए, लेकिन अभी आए हैं तो कुछ दिन रुक करके देख लीजिए। तो महीने भर रुके तो फिर क्या डिसीजन लिए? जब सर रुके तो मतलब फिर अब ये हुआ कि अब आ गए हैं तो वापस जा नहीं सकते, क्योंकि मतलब वही पैसे वाली प्रॉब्लम थी, घर जाते तो जवाब देना पड़ता, तो हुआ कि कुछ दिन रुक के देखते ही हैं। तो जब पढ़ने लगे, मन लगने लगा थोड़ा बहुत, लोगों का साथ मिला तो रुके, और पढ़ने लगे, मन लगने लगा थोड़ा धीमे धीमे, चीजें जब समझ में आने लगी तो फिर और एक्साइटमेंट हुआ कि अगर रुकेंगे मेहनत करेंगे तो कुछ हो सकता है। मतलब ये धीरे धीरे लगने लगा कि भाई कुछ बेहतर हो सकता है। तो हॉस्टल में रहते थे आप? जी हाँ। तो खाना वगैरह बनाते थे या टिफिन लेते थे? नहीं बनाते थे, हम थे एक गोरखपुर का लड़का था, दोनों साथ में मिलके बनाते थे अपना। अच्छा, कितना टाइम मिलता था खाना वाना बनाना, फिर पढ़ाई करना, ये सब हो जाता था मैरिज की, कोई दिक्कत था? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं होती थी, बैच वगैरह उस समय से सुबह से पढ़ना 7 बजे क्लासेस चलते थे, और मैथ वगैरह ले करके, उस समय राहुल सर पढ़ाते थे, मैथ वगैरह ले करके 11:30 तक खत्म हो जाता था, उसके बाद ऊपर ही पढ़ते थे तो नीचे तुरंत आ करके खाना वगैरह बनाना, खाना पीना हो जाता था मैनेज। आप थोड़ा अपना रूटीन बताइए हमें, ठीक है? रूटीन का मतलब ये कि EG वे कोचिंग में जब ज्वाइन किए आप, तो सुबह से शाम तक का रूटीन क्या था? मतलब सुबह तो क्लास रवि सर का नॉर्मली सुबह में ही होता है क्लास, ठीक है, तो सुबह कितने बजे उठते थे और क्या क्या करते थे वो बताइए। सर मैं सुबह जो कि उठता था अपना 5:30-6 के आसपास उठता था, हाथ मुंह ब्रश वगैरह धुलता था, चने वगैरह भिगो के रखता था, तो उसको खा करके सीधे ऊपर पढ़ने चला जाता था, क्लास क्योंकि ऊपर चलती थी, तो पढ़ने के बाद उधर से आता था 11 बजे के आसपास, तो खाना पीना बनाना, फिर बनाने के बाद नहाने चला जाता था, नहा के आगे खाता था, खाने के बाद 1 घंटे के आसपास सो जाता था।
सोने के बाद उठता था, फिर अपना दो ढाई घंटे के आसपास जो भी पढ़ता था मन से पढ़ता था, मतलब उसमें कोई टाइम पास नहीं होता था, कम ही पढ़ता था बट पूरा मन से। तो दो ढाई घंटे पढ़ते थे, फिर उसके बाद शाम को घूमने निकल जाते थे। ये मेरा रोज का रूटीन था सर। कहाँ घूमने निकलते थे? ये रोड पे मेट्रो वेट्रो की तरफ, उस समय तो मतलब मेट्रो नहीं बन रही थी, फिर भी मैं रोड की तरफ निकल जाता था, मार्केट वगैरह घूम के आता था, बड़ा अच्छा लगता था। बड़ा अच्छा लगता था। ये बोल रहे हो वीडियो में जितना सुनेगा सब हॉस्टल में सब घूमने लगेगा कल से। अपनी अपनी सर सबकी वो है, ठीक है ना, इसका है कि भाई अपना पढ़ लेता है, घूमना वो अलग बात है, अगर आप उतना पढ़ाई कर लेते तो घूमिए जरूरी है वो भी है, लेकिन आपको ये फील होना चाहिए कि भाई हम आज का कोटा पूरा कर लें, है ना। हाँ सर, मैं मतलब पढ़ाई पूरी कर लेता था, ऐसा नहीं मैं जो पढ़ता था मतलब बैठ जाता था दिमाग में इतना, तो इस वजह से मैं अपना मैनेज कर लेता था घूम के। फिर मेरे साथ बॉबी वगैरह रहते थे, वो नहीं जाते थे, बोलते तू घूम रहा है तो घूम, मैं नहीं घूमने वाला। बॉबी तो आज भी सीरियस है बेचारा, तो लगता है इस बार BSPCL में उसका हो जाना चाहिए। और उधर से जब घूम के आते थे तो क्या करते थे? हाँ, उसके बाद से हाथ पैर धुलना, फिर पढ़ना, डेढ़ घंटे दो घंटे पढ़ते थे, 8 बजे से सर खाना बनाना शुरू करते थे, खाते पीते सर हमको 10 और 10:30 के आसपास बचता था, उस बीच सर अगर मतलब मोबाइल में थोड़ा बहुत कुछ करना हो तो मतलब कर लेते टाइम पास, नहीं तो उस समय शॉर्ट नोट्स पढ़ते थे थोड़ा बहुत जो भी रहता था, या रिवाइज मारते थे दिन भर का जो होता था कार्यक्रम उसको करते थे, फिर उसके बाद सो जाते थे, फिर वही सुबह 5:30, 5:30 के आसपास उठना। दिन भर का एवरेज है तो कितना देर पढ़ाई होता था, क्लास के अलावा कितना देर पढ़ लेते थे? क्लास के अलावा सर वही कुछ 4-4.5 घंटे के आसपास। तो जब क्लास आए थे इजी वे कोचिंग ज्वाइन किए थे, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न होता है कि कैसे पढ़ाई होता है, नोट्स बनाते थे कि जो सर PPT दे उसी से काम चल रहा था, क्या करते, नोट्स बनाए हैं आप? जी, मैं फर्स्ट टाइम आया था तो अजय नहीं बताया था, मतलब पहले एक बार अच्छे से पूरी क्लास को खत्म करो, मतलब पूरे बैच को, और उनका हर एक एक नोट्स बनाते जाओ। तो उस समय मेरे पास बुक वगैरह भी नहीं थी, सिर्फ एक अरियंत की थी, उतनी वो ऐप मतलब बेस्ट नहीं थी कंपटीशन के लिए, तो मैं सर के नोट्स को बराबर बनाता था और उसे रिवाइज करता गया। फिर जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही थी, जैसे कुछ फार्मूले वगैरह थे, कुछ डाटा बेसिस क्वेश्चंस थे, उनको एक अलग से पतली कॉपी पे बना लिया था, मतलब शॉर्ट नोट्स के हिसाब से, और उनको देखता था बराबर, क्योंकि डाटा बेस चीज़ें बार बार भूल जाती थी, तो इस वजह से डाटा बेस बनाया था। और बोलिएगा, ठीक है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगातार करते थे डेली या किस तरह से करते, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कहाँ कहाँ से किए ये बताइए। क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं तो आपके ऐप से ही, मतलब ऐप पे जितना था सारा सेट लगा चुका था, और उसी का सर जो है कि पुराने प्रीवियस ईयर जो अलग अलग संस्था में पेपर हुए थे उसका सर ने दिया था, तो हमने फोटो कापी करवा रखा था प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस बुक बना दी मोटी सी, तो उनको बार बार देखा करता था मैं, पुराने क्वेश्चन थे बट बार बार उनको देखता था मैं। कोई अगर आपसे ये पूछे कि इजी वे के जो स्टडी मटेरियल है जो पढ़ाया जा रहा है ये सारी जो चीजें है एग्जाम में सिलेक्शन के लिए सही है कि और भी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा? सर इसमें कहने वाली तो कोई बात नहीं, अगर पर्याप्त नहीं रहता तो मैं आज यहाँ पे खड़ा नहीं होता, आज उससे इजी वे और रवि सर की देन है कि मतलब मैं आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ, तो मैं कहूँगा अगर सिलेक्शन लेना है तो ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी और ये चीजें पर्याप्त है। ओके, अब थोड़ा सा चलते हैं आपके थोड़ा लाइफ के बारे में समझते हैं कि कभी पढ़ाई के दौरान डीमोटिवेशन हुआ ऐसा कि भाई लग रहा है कि अब होगा कि नहीं होगा ऐसा कुछ? हाँ सर, बीच बीच में सर ऐसा होता था, जब कभी भी पढ़ लेते थे, जैसे बीच में हमने एग्जाम दिया था, पहला हमारा पेपर था DRDO का, तो DRDO का हमने पेपर दिया उसमें 98 point something आया था, तो मुझे लगा कि बहुत मार्जिन से ही छटे, लेकिन फिर भी मन में उदासी रहती थी कि नहीं हो रहा है, तो हमने कहा चलो कोई ना नेक्स्ट देखते हैं, तो फिर नेक्स्ट हमने देखा तो इसरो का दिया था, तिरुवनंतपुरम गया था, तो पहली बार दिया तो वहाँ पे वो रिजल्ट मतलब वो क्या कैंसिल हो गया, पेपर कैंसिल हो गया था, फिर दोबारा उसका एग्जाम हुआ, दोबारा भी मैं तिरुवनंतपुरम गया था एग्जाम देने, तो उसमें भी मेरा नहीं हुआ, तो और ज़्यादा मतलब डिमोटिवेशन हुआ, मतलब मेरे साथ मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब गलती कहाँ पर हो रही है, इतनी मेहनत करने के बावजूद नहीं हो पा रहा है, तो मतलब कई बार ऐसा मन में हुआ कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी मन से एक बार होता था अगर छोड़ना ही था तो फिर लगे क्यों, इतनी मेहनत इतना समय क्यों गवाए, तो फिर एक बार थोड़ा से मोटिवेशन वीडियो वगैरह देखना, गाने वगैरह सुन लेना, घूम फिर के आना, फिर उसी रास्ते पे लग जाना, तो कई बार ऐसा मन में हुआ लेकिन लास्ट में बस रिजल्ट आपके सामने सब। तो मतलब छोड़ नहीं पा रहे थे, चलिए मतलब दूसरा विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा था इसके अलावा, भाई यही कर सकते हैं हमारे लिए यही बेस्ट रहेगा यही ना। और घर से आपको पूरा सपोर्ट था, कोई दिक्कत नहीं हो पैसे वगैरह कभी पढ़ाई में? नहीं सर, पहले तो सर पैसा की प्रॉब्लम थी जब मैं ITI कर रहा था,
क्योंकि उस समय मेरे भैया जॉब पे नहीं थे, हम पांच भाई हैं, पांच भाइयों में एक भैया की यूपी पुलिस में जॉब लगी, तो वहाँ से पैसे की प्रॉब्लम मतलब थोड़ी कम हो गई, तो पैसे की उतनी प्रॉब्लम थी नहीं, बट मेरा थोड़ा सा बिहेवियर थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं था। अच्छा ये बताइए घर में कौन कौन से लोग सदस्य हैं, ये बताइए थोड़ा सा कितने भाई हैं? हम लोग सर पांच भाई हैं और एक बहन है, पांच भाइयों में सर मैं चौथे नंबर पे हूँ, सबसे मेरे सबसे बड़े भैया जो प्रदीप भैया हैं वो एमआर हैं मेडिकल फील्ड में, दूसरे वाले हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं, तीसरे वाले अभी पढ़ाई कर रहे हैं, चौथे नंबर पर मैं हूँ। पिताजी क्या करते हैं? सर पिताजी सर ऑटो ड्राइवर हैं। ऑटो ड्राइवर है तो ये पिताजी ऑटो ड्राइवर हैं तो उस समय तो पैसे की प्रॉब्लम होता होगा आपको? हाँ सर, पिताजी क्योंकि कमाने वाले अकेले थे और साधन भी ऑटो था तो उतनी कमाई नहीं हो पा रही थी कि उसमें से पांच बच्चों को पढ़ाया जाए, तो उसमें उसके बाद मेरे भैया ने बड़े भैया जो थे वही मतलब घर का बोझ उठाया उन्होंने, और प्राइवेट जॉब उन्होंने भी पहले मेडिकल में ही किया था हॉस्पिटल में, उन्हीं को इसमें भी हॉस्पिटल में बाद में लगा, तो वो भी तीन चार साल तक हॉस्पिटल में किए, फिर वो अपना खुद का एमआर वाला जॉब पकड़ा, तो धीरे धीरे पैसे की प्रॉब्लम थोड़ी कम आती गई, बट उनको विश्वास था मुझ पर, मैं थोड़ा सा बदमाशी करता था, बट ये था कि इसका दिमाग अच्छा है, अगर कुछ मन से करने लगे तो कर लेगा। क्या बदमाशी करते थे? बदमाशी में सर ये था कि मतलब मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं था, मेरे पांच भाइयों में मैं चौथे नंबर पे, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं रहती थी कि खाना या मतलब किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आजाद घूम रहा था मैं, झगड़ा करना मैच खेलना बदमाशी मतलब यही सब चल रही थी। कितने बच्चों का आज तक मारे पीटे हैं? अभी सर कहना उचित थोड़ी है। मतलब खूब लड़ाई होता था, पढ़ने का माहौल नहीं था? नहीं, पढ़ने का माहौल था लेकिन हम पढ़ते नहीं थे सर, हम घूमते ज्यादा थे पढ़ते नहीं थे। क्या मन कर रहा था उस समय कि बस यही जिंदगी चलेगा? कुछ मतलब वहाँ पे एटमोसफियर ही ऐसा था, कुछ दोस्त वगैरह ऐसे बन गए थे जिनके साथ मतलब जिम्मेदारी नाम की चीज थी नहीं हमारे ऊपर, इस वजह से फ्री थे पूरा पूरे दिन घूमते थे और खेलते थे। अच्छा ठीक है, तो एक माहौल था ऐसा जिस माहौल में आप फंसे हुए थे कह सकते हैं कि भाई उस तरह का माहौल था, पढ़ने लिखने वाला का माहौल था नहीं, उसमें और भी लगता था कि भाई हम यही अच्छा है, बहुत बॉस वाला हाल था, है ना? तो ये इसमें से निकले कैसे? इसमें सर निकले जब मतलब एक दो लोगों का उधर जॉब हुआ था और इस बीच मेरे भैया का जब जॉब लगा, तो मतलब वहां से कहीं कहीं सर मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये पढ़, क्योंकि मेरे भैया पढ़ने में अच्छे थे, उन्होंने बैंक का भी दिया था तो बैंक में भी वो क्वालिफाई थे, बट सेकंड वाला पेपर उनका नहीं निकल पाया था, तो उनकी भी एज वगैरह हो रही थी, और धीमे धीमे मुझे भी ऐसा फील हुआ था कि मैं भी मतलब कब तक ये सब चीजें करता रहूं, मेरे ऊपर एज की प्रॉब्लम थोड़ी सी मतलब बर्डन होने लगी, तो मुझे लगा कि कब तक ये सब चीजें क्षणिक हैं, माल झगड़ा करना घूमना ये सब जब तक उम्र समय है तब तक कर पाएंगे, आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य खराब होगा, तो कहीं कहीं मन में सर मतलब परिवर्तन होना शुरू हुआ, और जब मैं हॉस्पिटल में काम करता था तो वहाँ पे भी मतलब काफी मोटिवेशन वहां से मिला, क्योंकि मैं सर 6,000 पे काम करता था वहाँ पे, तो वहाँ पे दिन भर 6,000 में दिन भर आपको काम कराया जाता था, और थोड़ी बहुत अगर गलतियां भी हो गई तो फिर सुनने को भी मिलता था, तो वहां से सब चीज जब बाहर लोगों के बीच रहने लगा तो ये लगा कि अगर जितने समय मतलब यहाँ पे काम करके इतने पैसे मिल रहे हैं, अगर मैं अपनी पढ़ाई पर उतना समय दूं और बेहतर कोई जॉब प्राप्त कर लूं तो इसका 5-6 गुना पा सकता हूँ, तो यही सब मोटिवेशन मेरे लिए रहा सर, और मैं निकला फिर। तो पटना है तो पुराने जो सर्कल था दोस्त थे जिसके साथ मतलब राजा बन के घूमते थे वो लोग याद आते हैं कि नहीं, बुलाए कि नहीं कि आज विशाल आपके बिना पूरा ग्रुप उदास हो गया है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था, उस समय मोबाइल मेरे पास कीपैड थी, यहाँ आने के बाद भैया ने मतलब बड़ा वाला फोन दिया था ताकि पढ़ने वगैरह के लिए दिक्कत न हो, तो उस साथ जितने पुराने थे उनका नंबर भी डिलीट करवा दिया था। अच्छा। हाँ उसमें से मतलब एक दो का नंबर मैंने कंटेस्ट कर लिया था, तो उनसे कभी कभार बात होती थी लेकिन नहीं इस मुद्दे पे मतलब नहीं होती थी कभी कि वापस चले आओ क्या कर दो वगैरह वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, बट वो भी सब कह रहे थे कि अगर पढ़ने गए हो तो पढ़ो अच्छे से, तो दोस्त थे लेकिन आपके याद करते थे कि भाई पढ़ो पढ़ने गए। हाँ ठीक है अच्छी बात है। मोबाइल का यूज कितना करते थे आप जब ईजीवी कोचिंग में थे, हॉस्टल में रहते थे पढ़ रहे थे, तो मोबाइल का मतलब उपयोग कितना करते, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो गया इंस्टाग्राम हो गया तमाम जो चीजें होता है जो डिस्ट्रैक्शन होता है मोबाइल में, मूवी देखना वीडियो देखना तमाम चीजें जो होती है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये पीछे ले जाता है, आपके कंडीशन में क्या था? मेरे समय में सर मैं मोबाइल तो चलाता था काफी चलाता था, बट मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं चलाता था ये दोनों चीजें, क्योंकि इन सब चीजों पे अगर चलाता तो घर वाले देखते और भैया वगैरह सब जुड़े तो मतलब मेरे लिए प्रॉब्लम आती। मैं सोशल मीडिया में सिर्फ मेरे पास व्हाट्सएप था और जो कुछ मुझे देखना था उस समय मैं कपिल शर्मा शो ज्यादा देखता था,
तो मैं YouTube पे सर्च करके देखता था, और बाकी समय से मतलब खाना जैसे बना रहा हूँ या खा रहा हूँ तो उस समय मोबाइल वगैरह चला करके अपना वो इंजॉय कर लेता था, और ज्यादा मतलब यूज नहीं करता था उतना। ओके, जो बच्चे ITI कर रहे हैं है ना, उनके लिए क्या सुझाव आपका? ITI जो कर रहे हैं सर, मतलब अगर हम कहेंगे सर, अगर उनको फिटर्स या मतलब इलेक्ट्रिशियन, मतलब अगर उनको टेक्निकल फील्ड में जॉब चाहिए तो इजी वे एक बार जरूर ज्वाइन करें सर, क्योंकि मैं भी मतलब इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जान रहा था, और ज्वाइन किया, अच्छा लगा, रिजल्ट भी मिला, और मैं आज से इस मुकाम पे हूँ। तो मैं कहूँगा अगर वो ITI करके किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, वो भी टेक्निकल क्षेत्र में, उनके लिए सर इजी वे कोचिंग बेस्ट होगा। और जो बच्चे मान लीजिए कि ITI कर रहे हैं तो उनको स्टार्टिंग से ही मतलब कंपटीशन क्लास ज्वाइन कर लेना चाहिए, आपको क्या लगता है कि ITI से नौकरी लेना कठिन है या आसान है? नहीं सर, अगर अदर जगहों पे देखा जाए कि आज के समय में जो कंपटीशन का माहौल चल रहा है उसमें अगर आप टेक्निकल विभाग में देखें तो यहाँ पे जॉब लेना उनके अपेक्षा बहुत आसान है। जहाँ पे मतलब आज UPP का अगर एक पेपर हो रहा है तो 45,000 वैकेंसी में 10 लाख 15 लाख 20 लाख बच्चे भर रहे हैं, वो भी कैंसिल हो जा रहा है, कहीं पूरा नहीं हो पा रहा, बट टेक्निकल फील्ड में ऐसा नहीं है, वैकेंसीज कम है बट पूरी करवा रही है, सिलेक्शन दे रही है, और कंटेंट अगर आपको अच्छा है तो आपको सफलता भी मिल रही है। विशाल ये बताइए कि अभी जैसे MP PGCIL में नौकरी मिला है आपको, ठीक है ना, मध्य प्रदेश बिजली विभाग में, इसके अलावा और कौन कौन से एग्जाम दिए जहाँ पे आपका नौकरी होने की संभावना है या मतलब वहाँ तक पहुँचे हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया सर, DRDO मेरा पहला था, उसके बाद हमने ISRO के 3 पेपर 4 पेपर दिए जिसमें मैं मार्जिनल बाहर रहा, फिर अभी लेटेस्ट में मैंने UR Rao का दिया था जिसमें मैं क्वालिफाई हूँ ISRO में, बट ISRO का जिस दिन मेरा स्किल टेस्ट 29 को था, और 29 को ही मेरा MP PGCIL का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वेरिफिकेशन था, इस वजह से मैं ISRO को सर ड्रॉप किया, उसका स्किल नहीं दे पाया, और यहाँ पे 29 तारीख को जाकर मैंने अपना MP PGCIL का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। एक और केस है कि जैसे आप यहाँ पे क्लास किए थे, फर्स्ट टाइम आए थे, तो इसके बाद आप CTI करने गए थे जी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ पे सर मैं जब आया था तो एक बैच हमने यहाँ पे पूरा कर लिया लगभग, तो उसी बीच सर अप्रैल वगैरह के आसपास फॉर्म आया था CITS का, CTI जिसे कहते हैं, तो उस समय मैं ठीक ठाक हो गया था, चेड वगैरह मेरा मजबूत हो गया था, तो हमने सर से पूछा, रवि सर से, तो उन्होंने कहा अगर तुम्हारे पास समय है और करना चाह रहे हो तो कर लो, बुरी चीज़ नहीं है वो, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, स्किल वगैरह बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा, तो और एक रास्ता खुल जाएगा, कहीं ना कहीं एक डिग्री मिल जाएगी, तो बाद में आने वाले समय में कहीं आप टीचिंग के लिए भी अवेलेबल हो जाओगे। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे CITS का फॉर्म भरा और मैंने एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम, 84 नंबर आया था, तो काउंसलिंग में मुझे सर पूरे भारत में किसी भी NSTI में एडमिशन मिल सकता था, बट मुझे बेस्ट कॉलेज चाहिए था, तो मैंने सर से फिर एक बार डिस्कशन किया इस बारे में, तो सर ने कहा अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो आप ये वहाँ का मुंबई ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे पढ़ाई वगैरह ठीक ठाक हो जाती है, तो फिर मैंने उनके मार्गदर्शन में मुंबई का NSTI ज्वाइन किया, एक साल सर वहाँ पे रहा, वहाँ पे पढ़ाई वगैरह की, और फिर पुनः वहाँ पे जैसे ही वहाँ का दौर ख़त्म हुआ, ख़त्म होने के बाद मैं सर वापस घर पे आया अगस्त वगैरह के आसपास, तो घर पे था, उसके बाद सर नवंबर के आसपास या दिसंबर में आपका एक आया प्रचार आया या उसे ऐड आया जिसपे यह था सर कि पुराने बच्चे जो है EGV के, लड़के हो या लड़कियां, अगर पुनः EGV में पढ़ना चाह रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आ सकते हैं निशुल्क, तो क्योंकि मैं ग्रुप से जुड़ा था तो मैं पढ़ा और मैं तुरंत डिसाइड किया कि मुझे एक बार फिर पुनः वहाँ पे चलना चाहिए। ऑफर का फायदा मिला ना? हाँ सर, तो जो ऑफर मिला मैं तुरंत वहाँ से अपना सब कुछ पैक वगैरह किया, घर पे बोला, सबसे बड़ी मतलब इसमें वो रहा था कि मतलब भैया ने हम पे बहुत विश्वास दिखाया सर, उन्होंने काफी मतलब हम पे विश्वास दिखाया, बोला कि ये कुछ कर सकता है, उन्होंने कभी पढ़ने के लिए रोका नहीं हमको। अच्छा, घर जब आए थे यहाँ पे पटना में पढ़ने के लिए तो वहाँ का तो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब ही था पूरा, है ना, गुंडागर्दी था, तो आसपास बड़ा ये बात चल रहा होगा कि भाई गया है पढ़ेगा क्या करेगा, कुछ ऐसा बात हो रहा था? हाँ सर, कहने को तो सर माहौल मतलब गांव का तो पता ही होगा, मतलब लोग तरह तरह की बातें सुनाते रहते हैं, कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि आप उसे भेजें पढ़ने के लिए, हो सकता है वो पढ़े ना आपको बर्बाद करे, बट मैं कहूँगा अगर वो आज मेरा वीडियो देखेंगे या कल को मेरा रिजल्ट देखेंगे तो शायद वो शर्म के मारे अपना सर नीचा कर लें,
तो कहीं ना कहीं मेरे घर वालों के लिए, मेरे लिए गर्व की बात है कि आज उनके मुंह पे मतलब कहीं ना कहीं मैं फुल स्टॉप लगा पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और एक सवाल और है कि घर में कहीं पिटाई खाए कि नहीं? इतना बदमाशी करते आते होंगे तो घर में पिटाई लगती होगी। हाँ सर, पिटाई तो काफी हुई है, घर पे पापा से हुई है ज्यादातर, भैया से तो कम होती थी, भैया से डर था, बट कहते हैं सर कुछ लोगों की माँ से ज्यादा बातों का असर होता है, तो अगर सर वो मतलब गलत उस तरीके से देख देते थे तो ही लग जाता था बहुत ज्यादा। पापा पिटाई कर देते? पापा तो मतलब शुरू हो जाते थे सर, पूरा मार खाए। हाँ सर, मार तो बहुत खाए। फिर अगले दिन फिर बदमाशी करने का मन करता था कि मतलब? नहीं, एक दो दिन तो सर सुधर जाते थे, लेकिन फिर वही शुरू हो जाते थे। सवाल ये है कि आपने बारे में दो जो कमियां हैं जिसको सुधारना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, और जो अच्छाई है वो थोड़ा बताइए। सुधारना सर यही है कि मतलब जो अभी तक जीवन बचपना का रहा या एक खेल कूद में मतलब बीता, अब सर कहीं ना कहीं जॉब पे हूँ तो मैं, मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी आई कि जितना विश्वास घर वालों ने दिखाया है जो, अब उनके विश्वास पे तो मतलब मैं खरा उतर चुका हूँ, अब उन्होंने जो मदद की थी अब वो मदद मैं उन्हें अपने तरफ से लौटा पाऊँ। तो अच्छाई क्या आपके अंदर में, कुछ अच्छाइयाँ हैं जो आप चाहते हैं कि इसको मेंटेन करके रखें? अच्छाई मेरी सर यही है कि मतलब मैं किसी को मतलब कमजोर या कैसे मतलब किसी कमजोर व्यक्ति को देखता हूँ तो मन में थोड़ी सी दुख महसूस होता है सर, मैं चाहता हूँ उसकी मदद कर पाऊँ मैं थोड़ी बहुत, तो अक्सर मैं रोड वगैरह पे भी चलता रहता हूँ तो अगर पत्थर वगैरह दिख गए मैं उसे पैर से टाल देता हूँ, ऐसा करते वक्त मेरे दोस्त ने भी कई बार देखा है, बोले जमाने में ज्यादा भलाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल और आने के लिए, इसी तरह से आप आगे बढ़िए और बहुत आगे तक जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।